नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताराटांड के कुंडलवाद मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य मंत्री। गिरिडीह और धनबाद जिलों के लाखों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। धनबाद जिला के लिए कई योजनाओं का किया गया उद्घाटन व शिलान्यास। सीएम ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। झारखंड सरकार का खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता का गिरिडीह स्टेडियम समेत 3 स्थानों पर हुआ शुभारंभ। एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी प्रतियोगिता है शामिल। 12 सितंबर तक चलेगा यह खेल। कॉलेज हित में 5 मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज के प्रचारी गेट को तालाबंदी कर दूसरे दिन किया प्रदर्शन। प्रचार्य से मामूली रूप से हुई नोकझोंक। प्रचार्य द्वारा कुछ मांगों का लिखित आश्वासन देने के बाद खत्म किया गया प्रदर्शन। गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने ताराटांड, बदगुंदा एवं गगनपुर में करीब 6.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 अलग अलग ग्रामीण सड़क योजना का किया शिलान्यास। लोगों को आवागमन में होगी सहूलियत। पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंजाबा समेत अलग अलग इलाकों में बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ की गई बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए कई तरह के टिप्स। कार्यकर्ताओं के घरों में पार्टी का झंडा लगाने का दिया गया निर्देश। गांडी विधानसभा क्षेत्र के ताराटांड में अवस्थित कुंडलवाद मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन गिरिडीह जिला और धनबाद जिला के लिए समर्पित था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विशिष्ट अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडी विधायक कल्पना सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू, मथुरा प्रसाद महतो, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। इसके पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीसी नमन प्रेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री और तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत जिला प्रशासन की ओर से किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 लाख लाभुकों के बीच 64,00,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इनमें से गिरिडीह जिले के लिए 8,03,443 लाभुकों के बीच 44,580.67 लाख की परिसंपत्ति और धनबाद जिले के लिए 5,03,813 लाभुकों के बीच 19,336.53 लाख की परिसंपत्ति शामिल था। मुख्यमंत्री ने धनबाद के 101 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और 100 करोड़ से अधिक की 60 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर तमाम अतिथियों ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य विकास की ओर अग्रसर है, महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके बाद विपक्ष कहता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। इन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरते हुए निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मैया समान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड सहित सरकार के अन्य योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि सरकार के अगले 5 वर्षों में हर घर में 1-1 लाख पहुंचने की योजना है, ताकि जरूरत पड़ने पर महाजनों और दलालों से पैसा नहीं लेना पड़े। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की भी तगड़ी व्यवस्था देखी गई। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विधि व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए दिखे। मौके पर भारी संख्या में गिरिडीह और धनबाद जिला के लोग मौजूद थे। Thank you.
सम्मान करते हैं और आज कोई भी भाव नहीं कर रहे, सब
अपनी समुदाय को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी होने इस मंच पर हम यहाँ के लिए आए थे और उस मंच पर हमारे साथ हमारी भाभी कल्पना भी थी। हम लोग उसमें ऐसा करने लगे कि हम लोग नारा ले रहे थे कि भारत माता भारत छूटेगा और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छूटेंगे, ये नारा ले रहे थे हम लोग। और आज वो नारा सफल हुआ। हमारी भाभी की मेहनत के कारण, कल्पना जी की मेहनत के कारण आज भारत का सिर आजाद भी करा है। हमारे हेमंत सोरेन जी हमारे नाम आजाद भी कराए। साथ में कहना चाहता हूँ आइए सारी योजनाओं का लाभ लेना। महिला योजना के तहत हम अपनी माताओं को सम्मान दे रहे हैं, हम अपनी बहनों को सम्मान दे रहे हैं। कभी सोचे ही नहीं कि हमारी बहनों के पास पैसा मिलेगा। आज मुझे मुझे भी है हमारी माता बहन को बहुत पैसा मिल रहा है तो भारत भारत के पेट में दर्द हो रहा है। इनको लग रहा है क्या हो रहा है, ये कौन सा बेरोजगारी कदम हम लोग हमारी सरकार ने उठाया। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार घरेलू की सरकार है, आपकी सरकार है, आप अच्छा करने की सरकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आप देखते होंगे पीएम प्रधानमंत्री जी ने गरीब की योजना में पीएम आवास बना दिया। एपीवीपी ग्रेडी के द्वारा सोमवार को ग्रेडी कॉलेज के प्रचार गेट पर तालाबंदी कर 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बाबत परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीते शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तालाबंदी कर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ग्रेडी महाविद्यालय के प्रचारी उनसे वार्तालाप करने कॉलेज नहीं पहुंचे। परिषद के कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि प्रचारी परिषद के सवालों से डरते हैं, इसीलिए वह शुक्रवार को सामने नहीं आए। आज फिर हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्रेडी महाविद्यालय में तालाबंदी किए। हम लोग सुबह 9 बजे से लगातार 12 बजे तक आंदोलन करते रहे, तब जाकर प्रचार्य आए और इनकी बातों को सुनने के बजाय वहां हमें प्रशासन की धमकी देने लगे, हमारा वीडियो बनाने लगे। यह बहुत निंदनीय है।
प्रचार्य के द्वारा हमारे 5 मांगों को बहुत जल्द पूरा करने का वादा किया गया, लेकिन अब हम लोगों को प्रचार्य के बोले हुए शब्द पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रचार्य के द्वारा हमें लिखित दिया गया कि हमारी कुछ मांगे जो कॉलेज के हाथ में है वह 2 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, और जो यूनिवर्सिटी का मांग है उसे यूनिवर्सिटी से बात करके जल्द पूरा करवाने पर पहल किया जाएगा। तब जाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताला खोला। मौके पर नितेश तिवारी, शुभम कुमार, सदानंद राय, अंकुश कुमार, गौतम हेब्रम, विवेक कुमार, विवेक वर्मा, निशांत कुमार, दीपा सेठ, अर्पिता कुमारी, पूनम कुमारी आदि छात्र छात्राएं मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटीशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओटी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571, 06532356150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के पचम्बा एवं धरियडी शक्ति केंद्र 3, 24 व 27 के बूथ में सोमवार को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर संवाद किया। इस दौरान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में शक्ति केंद्र प्रभारी मुकेश जलान, संतोष गुप्ता, अमर शर्मा, बूथ अध्यक्षगण एवं अन्य साथीगण उपस्थित रहे। तैयारी कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना विनती है कि जो पार्टी के निर्देश प्राप्त हुआ है सब उसी अनुसार अपने काम करते हुए वार्ड नंबर 3 में पूरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के घर घर जाना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पूरे भारत के लोगों के लिए के काम कर रहे हैं, सबकी बाइक का घर जाकर बताना है, उनको समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति की सुख सुविधा की चिंता करती है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदान करके झारखंड में
भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने में आप लोग को सहयोग करें, ये अपील करना है सभी लोगों को। तिरंगा चौक स्थित टीवीएस शोरूम में न्यू टीवीएस जुपिटर 110 सीसी और 113 सीसी के इंजन वाले स्कूटी की खासियत को दिखाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूटी के परफॉर्मेंस, डिजाइन और सेफ्टी बेंचमार्क के बारे में भी बताया गया। स्कूटी के फीचर्स बॉडी बैलेंस, डबल हेलमेट स्पेस, फ्रंट फ्यूल फिल, इन्फिनिटी लाइट बार, एलईडी हेड लैंप, फुली डिजिटल कलर एलईडी जैसे अनेक फीचर्स हैं। इसके संचालन सूर्यांश जैन ने गाड़ी की खूबियों के बारे में बताया। मौके पर डीलर ऑनर शंभु जैन, सुभाष घोष, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अधिकारी अजय सिंह आदि मौजूद थे। इस नए टीवीएस जुपिटर की पहली ग्राहक मनीषा भदानी बनी। इन्होंने गाड़ी की पहली डिलीवरी ली एवं उनका स्वागत केक कटवाकर किया गया। सीएल टीवीएस तिरंगा चौक गिरिडीह में हमने जुपिटर 110 नया मॉडल लॉन्च किया है और गिरिडीह वासियों के लिए जुपिटर बहुत ही चुनिंदा गाड़ी है और बहुत दिनों से कस्टमरों के को पसंद आया हुआ है। इसी में कंपनी ने 113 सीसी के साथ नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें जो आज के समय से बहुत ही आधुनिक है और कस्टमर के सारे नीड्स को पूरा करता है। इसमें वार्निंग, ब्रेक वार्निंग दिया है, जैसे कि कभी कोई आदमी अगर ब्रेक मारे, इमरजेंसी ब्रेक मारे, तो उसके जो पीछे गाड़ी अगर चल रहा है तो उसे उस ब्रेक का समझ में आ जाएगा कि सामने कुछ हुआ है, जिसके कारण वो रुक सके। और सेफ्टी को देखते हुए और आज के मॉडर्न टेक्निक को देखते हुए जिसमें इन्फिनिटी हेडलैम्प दिया है गाड़ी में, जो कि काफ़ी नया है और इस सेगमेंट में कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बेंगाबाद के धाव टाण बरियापुर रोड पर ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर धन रोपनी कर अपना विरोध जताया। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में धन रोपनी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बनी। यहाँ उप मुखिया वासुदेव महतो, पूर्व वार्ड सदस्य जागेश्वर मिर्धा, गोपाल महतो, जामिनी देवी, अनीता देवी, सुनीता देवी, गुड़िया देवी, चमेली देवी, गुलाबी देवी, चंपा देवी, सुकमा देवी, सोनिया देवी, यशोदा देवी, अशोक महतो, तुलसी तूरी, रोहन राय, मनोज तूरी, सुभाष तूरी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7008645619551525। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST SC OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में शास्त्री नगर से गिरिडीह के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सोमवार को धनबाद के गोल्फ मैदान पहुंचे। वहां मासस का भाजपा माले में विलय हो गया। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन से आम जनता काफी खुश है। उत्तरी छोटा नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के गरीब मजदूरों की आवाज, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, महिला, छात्र आदि के लिए लाल झंडा का विलय एक सकारात्मक मैसेज देगा। सभी लाल झंडा को एक बैनर में आने की जरूरत है, जल्द इस पर भी विचार किया जाएगा। आज मासस का भाकपा माले में ऐतिहासिक विलय हो गया, जिसके साक्षी भाकपा माले और मासस के कई शीर्ष नेता, आम कार्यकर्ता और कोयला नगरी धनबाद की जनता बनी। मौके पर मासस के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो, स्टेट सेक्रेटरी हलधर महतो, राज्य कमेटी सदस्य निताई बोस, चंद्रदेव पासवान, मिथिलेश सिंह, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य सह पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य, बिहार के कारकट सांसद राजा राम सिंह, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त, बगोदर विधायक विनोद सिंह, माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के साथ कई नेता मौजूद थे। आज मासस और भाकपा माले का एक तरह से समन्वय हुआ और मासस जो है एक राज्य के कॉमरेड, एक राज्य की पार्टी जो है, जो अरूप चटर्जी की पार्टी है, पूर्व विधायक निरसा के, और वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो पार्टी है वो एक तरह से भाकपा माले में विलय हो गया। इस विलय से भाजपा बौखलाई भी है, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, छात्र, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए एक बड़ा मैसेज है। और कम्युनिस्ट पार्टी जब दोनों एक हो गए तो निश्चित तौर पर पूरे झारखंड की जो राजनीति है वो देखने को एक आएगा। इंडी गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है और उत्तरी छोटा नागपुर में खासकर जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे खनिज संपदा भरी पड़ी है, वहाँ पे भाजपा के द्वारा जो लगातार लूट हो रहा है उस पर कंट्रोल करेगी सीधे कम्युनिस्ट पार्टी। हम तमाम कम्युनिस्ट पार्टी भी एक लाल झंडे के बैनर तले निश्चित रूप से। आज 9 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन इसलिए याद किया जाएगा कि दो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समन्वय समिति जो एके राय ने स्थापित किया था, आज वो पूरी तरह से भाकपा माले में विलय होकर के इस झारखंड में एक कम्युनिस्ट पार्टी का स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जो इस उत्तरी छोटा नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के लूटराज को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। झारखंड सरकार का खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को गिरिडीह स्टेडियम समेत 3 स्थानों पर किया गया। बालक वर्ग में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कार्मल उच्च विद्यालय के ग्राउंड में, बालिका वर्ग के फुटबॉल टूर्नामेंट एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में तथा कुश्ती एवं शतरंज प्रतियोगिता का ओपन ट्रायल का आयोजन इंडोर स्टेडियम गिरिडीह में किया गया। मंगलवार को बालिका वर्ग का एथलेटिक्स प्रतियोगिता कार्मल उच्च विद्यालय के खेल के मैदान में तथा बालक वर्ग का फुटबॉल गिरिडीह स्टेडियम में एवं योगा प्रतियोगिता का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। बताया गया कि खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता 9 सितंबर से 12 सितंबर तक संचालित होगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास
कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरेडी। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के मोहली चुहा वार्ड संख्या 22 में बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी नीतियों और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के समक्ष भाकपा माले के सुझारू कार्यकर्ता उज्ज्वल साव एवं विभिन्न पार्टियों से जुड़े सोनू कुमार, सुमेश कुमार, गोपाल साहू, शिवम गुप्ता, अंकित गुप्ता, सूरज साव, दीपक कुमार, गौतम दास, धनराज दास, बबीता देवी, गीता देवी, उमा देवी, सीमा देवी, मालती देवी, आशा देवी, सरिता देवी, कुंदन कुमार, विक्की ठाकुर, सुमित कुमार, अमित कुमार, दुलारी देवी एवं सबिया देवी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान सुरेश साव ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं और एक तरफ हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद करने में तुली हुई है। 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। बेरोजगार युवाओं को पिछले 5 साल में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इन 5 सालों में झारखंड गिरिडीह के युवाओं को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ धोखा, पेपर लीक और लाठियां। लूट और झूठ की बुनियाद पर बनी ठगबंधन की इस सरकार ने झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के स्थानीय झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जब से विधायक बने हैं क्षेत्र में अमन चैन नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। इनके संरक्षण में सरकारी जमीनों की खुली लूट हो रही है। क्षेत्र में आम जनता पानी के लिए त्रस्त रहे हैं। आज गिरिडीह में ट्रैफिक की क्या स्थिति है आपके सामने है। इनके कार्यकाल 5 साल पूरे होने को है लेकिन एक भी काम इसका धरातल पर नहीं दिख रहा। इनका विकास सिर्फ पोस्टर और कागज पर ही टिकी हुई है। इस दौरान राजेश जायसवाल, शैबाल घोष, अजय यादव, गुड्डू यादव, सीनियर दीपक साव, नीतू शोला, नरेश गुप्ता, मुकेश साव, चैता दास, राम बाबू साव, विशाल गुप्ता मौजूद थे। गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को ताराटांड, बदगुंदा एवं गगनपुर में करीब 6.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 अलग अलग ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास किया।
सर्वप्रथम गांडी प्रखंड के ताराटांड पंचायत अंतर्गत मोहलीडीह में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा 3,42,00,000 की लागत से बनने वाली मोहलीडीह से बुचादा तक सड़क का शिलान्यास किया गया। उसके बाद बदगुंदा पंचायत अंतर्गत गगनपुर में 2,17,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। गगनपुर में शफरुद्दीन अंसारी के घर से गबरियाटांड मस्जिद होते हुए रानाटांड मोड़ तक बनेगी, जबकि गांडे प्रखंड के बदगुंदा में 1,60,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। यह सड़क बदगुंदा से बेड़ियाधार नदी पुल तक बनेगी। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि विकास के लिए कम समय मिला है, पर इस कम समय में अधिक से अधिक काम करने का प्रयास कर रही हूं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर उन्होंने कहा कि इस तरह की क्रांतिकारी योजना कोई सरकार पहली बार लाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोश कम नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि अब मैया समान योजना में उम्र सीमा को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 वर्ष की लड़कियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेगी। यह योजना 1-2 महीने के लिए नहीं, सदैव अनवरत चलने वाली योजना है। ग्रामीण सड़क निर्माण से बुचादा, भंडारीडीह, महलीडीह, ताराटांड, बदगुंदा, गगनपुर, मनकडीहा, माथासेर, रानाटांड, जीतजोरा, गभरियाटांड, धावाटांड, जमुनियाबाद समेत दर्जनों गांव के लोगों को सहूलियत होगी। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद नासिर अंसारी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद नसीम मुफ्ती, मोहम्मद अख्तर, नुनुराम किश्कू उर्फ टाइगर, अब्दुल रशीद, मुखिया यशोदा देवी, मुखिया खुर्शीदा बीबी, राजकुमार तूरी, मकसूद अंसारी, मोहम्मद जब्बार, सलीम अंसारी, मोहम्मद इरशाद समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। काम करने का जो समय था वो बहुत कम था, और आप जानते हैं कि इसी वर्ष में हम लोगों का विधानसभा चुनाव भी होना है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमारे जितनी भी तकलीफें ग्रामवासियों की हैं, आप लोगों की हैं, उनको मैं ठीक करते हुए आप लोगों की समस्याओं का निदान कर सकूं। इन हिंदू समय कौन किया है, 45,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपया जा चुका है, और तेजी से अब 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 20 वर्ष की भी जो हमारी बच्चियां हैं वो इसका लाभ ले पाएंगी। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।